नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमान राय और आप हैं हमारे चैनल टोटल फैक्ट्स पे। हमारा आज का वीडियो है बिहार राज्य के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का नाम बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ, जिसका अर्थ है निवास। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या में 3रा सबसे बड़ा राज्य। यहाँ की जनसंख्या 10,50,00,000 है। बिहार भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे टीनेजर्स की संख्या 58% है, जो कि किसी और राज्य से ज़्यादा है। पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे बोध गया है। बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सन 2002 में यूनेस्को ने इस शहर को विश्व विरासत घोषित किया। भूमि आज बौद्धों के सबसे बड़े तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के हर धर्म के लोग घूमने आते हैं। विभिन्न धर्म तथा संप्रदाय के व्यक्ति इस मंदिर में आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के लगभग 250 साल बाद यहाँ राजा अशोक आए और महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया। बिहार गंगा नदी के उपजाऊ भूमि पर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ की भूमि कृषि के लिए उपजाऊ मानी जाती है। हिमालय से उतरने वाली कई नदियाँ तथा जलधाराएँ गंगा नदी में जाकर मिलती हैं। यही कारण है कि लगभग हर साल बिहार में बाढ़ आती है। यहाँ की मुख्य बोली जाने वाली भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली और भोजपुरी है। गाँव में मुख्य तौर से मैथिली और भोजपुरी बोली जाती है। बिहार का लिट्टी चोखा, हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर की लीची पूरे भारत में फेमस है। विश्व का सबसे लंबे रेंज वाला वाईफाई पटना में है। इसका रेंज 20 किलोमीटर है। इससे पहले चाइना के पास सबसे लंबे रेंज वाला वाईफाई था, जिसकी रेंज 3.5 किलोमीटर थी, और उसके बाद लंदन आता है जिसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है। ज्योतिष और गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था। इन्होंने शून्य की खोज की थी। हालांकि कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था। सन 1857 की क्रांति में बिहार की मुख्य भूमिका रही। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक बिहार से ही थे। उनका नाम बाबू कुंवर सिंह था। इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। ये बचपन से ही अन्याय विरोधी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। और चौंकाने वाला तथ्य ये है कि जब उन्होंने सन 1857 की क्रांति की लड़ाई लड़ी थी, तब इनकी उम्र 80 साल की थी। इनको 80 साल की उम्र में लड़ाई लड़ने और विजय हासिल करने के लिए जाना जाता है। भारत के प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां बिहार के ही थे। उनका जन्म डुमराव में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च रत्न भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।